और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है गुरुग्राम से। ये बड़ी खबर, यहाँ एक हादसे में एक बच्चे की जान चली गई है। हादसा स्कूल बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुआ है। गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में 4 साल के बच्चे की स्कूल बस से उतरने के दौरान बस से कुचलने की वजह से मौत हुई। बस में कोई हेल्पर नहीं था। बच्चे के बस से उतरते ही बस ड्राइवर ने बस आगे बढ़ा दी, जिससे बच्चा बस के नीचे आ गया और मौके के बाद से स्कूल बस ड्राइवर फरार है। तो गुरुग्राम से ये खबर आपको बता दें, यहाँ पर एक स्कूल का बच्चा अपने स्कूल बस के ही नीचे आ गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस में कोई हेल्पर नहीं था और जैसे ही बच्चा बस से नीचे उतरा, बस आगे बढ़ गई। बस ड्राइवर ने बस चला दी बिना देखे कि बच्चा बस से दूरी बना पाया है या फिर नहीं। और चलिए इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी आलोक सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े। आलोक, किस तरह से ये लापरवाही का मामला सामने आया है? बस में कोई कंडक्टर या फिर जिस तरीके से महिला हेल्पर होती है, या ऐसा कोई बस में नहीं था? जी, बहुत सही बात आपने बताई श्वेता अपने दर्शकों को कि इस बस में जो हेल्पर होना चाहिए वो नहीं था। जैसे हमने देखा है कि बसों में आया या किसी एक सिक्योरिटी गार्ड को बैठाया जाता है जो कि बच्चों को उतरने और चढ़ने में मदद करता है और ये इंश्योर करता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स तक पहुंच सकें और स्कूल तक तरीके से पहुंच सकें। लेकिन इस बस में कोई ऐसा तैनात नहीं था और बस ड्राइवर के हवाले ही पूरी बस थी। तो अब लापरवाही बस ड्राइवर की तो है ही, साथ ही साथ स्कूल की भी लापरवाही यहाँ पर आती है कि स्कूल ने इस चीज को इंश्योर क्यों नहीं किया कि कोई बस में और चाहे टीचर या कोई असिस्टेंट स्टाफ क्यों नहीं मौजूद था। फिलहाल स्कूल को भी एक कंप्लेंट दी गई है और स्कूल ने भी कहा है कि वो पुलिस के साथ पूरा कोऑपरेट करेगी इन्वेस्टिगेशन में। फिलहाल बस ड्राइवर फरार है। घटना कल दोपहर की है जब बच्चा जो है अपने खिड़की द्वारा इलाके में अपने गांव जब शिकोहापुर पहुंचा है, वहां पर जब इसको बस से उतार रहा था बस ड्राइवर, उसी दौरान बच्चा उतर नहीं पाया था लेकिन बस ड्राइवर ने बस तेजी से चला दी जिसके कारण बस से वो बच्चा गिरा और पीछे वाले जो टायर था उसके नीचे आ गया। लापरवाही यहीं तक नहीं रही, बस ड्राइवर लगातार गाड़ी लेकर के निकल गया वहां से और रोका भी नहीं। उसके बाद पेरेंट्स जो बच्चे को अस्पताल लेकर गए तो वहां पर भी पेरेंट्स का कहना है कि अस्पताल में भी उसका ट्रीटमेंट टाइम से नहीं किया गया जिसके कारण बच्चे की मौत हो गई। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। जी जी आलोक, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।